टिकट मांग रहे हैं और टिकट के लिए क्या है। हम अपने नेताओं से प्रार्थना करते हैं भी हमें हमारा हक दीजिए। मदन लाल जी, अभी मैं तो राजनीति में PhD हूँ। नमस्कार। नमस्कार भाई। श्री ओम जी, आज ये पंचायत करने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। रही बात ये पंचायत की, ये गांव कर इकट्ठा किया है मैंने। सबसे पहले गांव होता है, जिस घर की नींव मजबूत होती है वो बिल्डिंग ऊंची बन जाती है। तो गांव जिसके साथ है, मैंने यहाँ भी कहा था, अभी गांव राम होता है और राम जिसके साथ होता है उसके साथ सब सब होते हैं। तो आज इसलिए इकट्ठे करे थे मैंने ये, भाई तुम अपने विचार भी रखो। मैंने इनसे पूछा भाई मेरा हक बनता है कि नहीं बनता है, तो सारे गांव ने खड़ा होकर के हाथ उठा करके आश्वासन दिया है कि भी हक बनता है। तो मैंने यही कहा भी सारे इकट्ठे होकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और दीपेंद्र सिंह हुड्डा से जाके प्रार्थना करेंगे कि हमें भी एक मौका दीजिए, इसलिए गांव इकट्ठा किया था मैंने। एक तरफा समर्थन मिला है पूरा गांव? वो तो आप देख रहे थे, मेरे कहने की जरूरत नहीं, आप भी यहीं खड़े थे। पूरे गाँव ने मुझे आश्वस्त किया है कि सारा गाँव आपके साथ है। और गाँव के बाद में आगे भी जैसे अपना गवांड है और दूसरे जैसे राठी दलाल खाप है, कादयान खाप है, हमें को गोतनाथ की लड़ाई नहीं है, यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन चलना तो घर से पड़ेगा। कादयान में बीच है, दूसरे कोई से भी गोत खाप है, सब मैं सब के पास जाता हूँ और सब की इच्छा भी है कि भी मेरे को मौका मिले। और इंग्लिश में एक कहावत है कि पीपल्स वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, लोगों की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। तो लोग भी चाहते हैं, जहाँ भी जाता हूँ चाहते हैं भी आपको मौका मिलना चाहिए। एक आपने एक बात कही थी रघुवीर कादयान की, कही हुई कि जो नए जो कैंडिडेट हैं कहीं ना कहीं ने अगर वो विधानसभा में चले जाते हैं तो बाथरूमों का दरवाज़ा भी नहीं मिलेगा विधानसभा। देखो डॉक्टर साहब, हमारे मैंने बोला भी था सीनियर नेता हैं, कई बार कई बातें मजाक में भी कह देते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि नए आदमी को एक साल तक बाथरूम भी ना मिले। मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में नए नए मुख्यमंत्री बने थे और उसके खिलाफ बने थे जो ये कहता था कि मदन लाल जी, अभी मैं तो राजनीति में PhD हूँ, कांग्रेस पार्टी का बहुमत आए और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ MLA का, और कोई मुख्यमंत्री दूसरा बन जाए असंभव। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने असंभव को संभव करके दिखाया। ऐसे ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में पहली बार सांसद बने थे, लेकिन उन्होंने इतने काम किए कि हमने पहले कभी नहीं देखा था कि एक MP इतना काम करे। नए नए आए थे लेकिन काम करने की उसमें इच्छा शक्ति थी। चाहे एम्स बाढ़सा की बात हो, चाहे मेट्रो की बात हो, IIT की बात हो, IIM की बात हो, न्यूक्लियर प्लांट यहाँ जसोर खेड़ी की बात हो, इतने इतने काम किए हैं जिनको मैं अपनी अंगुलियों पर नहीं गिना सकता। वो भी नए आए थे लेकिन उन नयों ने पुरानों से बहुत ज़्यादा काम करके दिखाया है। हमारे 27 खाप है, लाहौत के प्रधान भी अभी आए हुए हैं, जय सिंह जी लाहौत। हमने कहा भी आगे जो तुम फैसला लोगे, हम तो अपनी मांग करते हैं, जैसे आदमी कोई भगवान से भी प्रार्थना करता है वैसे हम अपने नेताओं से प्रार्थना करते हैं भी हमें हमारा हक दीजिए। पुराना गांव ने चुनाव का शंखनाद कर दिया कहीं ना कहीं विधानसभा में। देखो विधानसभा अगर चुनाव तो सब आप देखो सारी एक्टिविटी चल रही है, वो तो सब कोई सब पार्टियाँ चल रही हैं। और शंखनाद तो मैंने बताया ना, टिकट के लिए किया हमने, हम टिकट मांग रहे हैं और टिकट के लिए किया। नमस्कार। नमस्कार जी प्रधान जी, जिस प्रकार आज जो पंचायत हुई है श्री ओम के पक्ष में, पूरा गांव ने समर्थन दिया, क्या कहना चाहोगे? भाई पूरे गांव ने पूर्ण बहुमत से भाई को समर्थन दिया है। 36 बरादरी यहाँ इकट्ठी हो रही थी, आल सरपंच, एक सरपंच, पूरा गांव 36 बरादरी, और भाई जो अपनी टिकट की मांग रख रहे हैं पूरा गांव उसके साथ, और जय सिंह 27 के प्रधान को हमें अपनी इसने भाई ने मांग रख दी है, वो अपनी आगे अध्यक्षता रखे और वहाँ अपना अपने तरीके से जिस दिन वो टेम देगा उस दिन भाई हुड्डा साहब MP साहब के साथ जाएंगे और भाई का टिकट की। राजीव नमस्कार, मैं आपको और आपके दर्शकों को सभी को नमस्ते करता हूँ। रविंद्र भाई, जिस प्रकार आज जो पंचायत हुई है कहीं ना कहीं श्री ओम को पूरा समर्थन मिला है, क्या कहना चाहोगे? देखिए आज की पंचायत बराना गाँव की पंचायत हुई है और इसमें सबसे खुशी की बात ये हुई है कि पंचायत में कोई भी मतभेद नहीं हुआ किसी भी प्रकार का। जो भी निर्णय लिए गए वो सर्वसम्मति से लिए गए, बड़े ही शांतिपूर्वक माहौल में लिए गए, गरिमापूर्ण माहौल में लिए गए। सभी वक्ताओं ने अपनी बात अच्छे से रखी, सबकी बात लोगों ने सुनी और सारे गांव ने
बड़े पीसफुल ढंग से इसको किया। कई जगह पे दूसरी जगह पे ये भी देखने में आता है कि पंचायतों में झगड़े हो जाते हैं, तो उस प्रकार का कोई यहाँ पे नहीं हुआ और लोगों ने सर्वसम्मति से इस बात को माना है कि हमारे जो श्री ओम जी हैं वो कांग्रेस के सीनियर वरिष्ठ वर्कर हैं, पिछले काफ़ी साल से लगे हुए हैं। एक शेर है कि कभी झुका नहीं कभी बिका नहीं, कहीं छिप छिपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। इनका भी ये कहना है और लोगों का भी मानना है कि ये बड़े लंबे समय से लगभग 27 साल से उड़ा साहब के साथ ही विजिबल तौर पे, यानी कि मैं पीछे से मदद कर दूंगा या आगे से कर दूंगा, उस उनके साथ लगे हुए हैं और ये टिकट मांग रहे हैं। पूरे गांव ने इनको आश्वस्त किया है, मैंने भी आश्वस्त किया है, अगर टिकट की लड़ाई में सफल हो जाते हैं हम तन मन धन से इनका मदद करेंगे।